जो भी आते दो पढ़ते कर दो दो वो पढ़ बहुत बड़ा मौका है तो पूरी दुनिया देख रही हाँ पढ़ किसको नहीं आते क्या बोल गाने आते हैं चल गाना गा के सुना पूरी दुनिया देख रही थी वहाँ कौन सा गाना याद है हाँ अमित मिल रहेगा बनाने को नात याद नहीं है गाने तो याद होंगे पूरे है ना इसको नात याद है क्या नात याद है बस ज्यादा फेसबुक तरफ मत मारो हाँ फिर बाद में बोलेंगे कि हमारी क्या बोलती को नेट बता के बेइज्जती कर रहे हो नात आती कर पढ़ने कब अलग ली मेरी गाड़ी तुम्हारी पूछ रहा हूँ तुम्हारे लोग गाने याद है क्या गाने गाना पढ़ कौन सा ये बहुत गलत बात है ये तरबियत देना चाहिए अपने पहले एक माहौल था बहुत अच्छा माहौल था पहले की मस्जिदों में बड़ी रातों के वक्त देखो ऐसा रहता तुमने तुम्हारे हाथ से अपने बाप दादा की रिवायतों को खत्म करे बोल के तुम्हारे बच्चे आज गानों में परफेक्ट है नाचने में गाने में मगन है मगर उनको नाता याद नहीं है गए अल्लाह के शान में मजमू कलामा कुछ याद नहीं तो वह करके बना और वही मस्जिदों में पहले जो आलम रहता था जाते थे पढ़ते थे बच्चे नाता खवा वो नाते याद करके जाके सम प्रोग्राम होते थे मस्जिदों के अंदर बड़ी रातों के वक्त उनको इनाम दिए जाते थे खिरात का प्रोग्राम खिरात कोई नात याद करा तो उसका देख के कोई बोलता था मैं अगली बार खिरात करूँगा कोई कुछ आपको बहुत सारे ऐसे मस्जिदा निकले जिनमें भी नहीं कर रहे ऐसे सब बातें बोलकर तुम्हारे बच्चे जो नहीं कर रहे उनके बच्चे यकीनन गाने उनको याद है उनको गाने याद है मगर नाता नहीं चलो मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ इसमें बारे में सुना रहे तुम मेरी आँख में काबा मेरा सीना तूर सीना मेरी आँख में काबा मेरी आँख में काबा सुभान अल्लाह मेरी आँख में काबा मेरा सीना तूर सीना मेरे लब पे है मोहम्मद मेरे लब पे है मोहम्मद मेरे दिल मदीना मदीना मेरी आँख में काबा सुभान अल्लाह है शराब इश्क अहमद मेरे पे खुदी का हासिल है शराब इश्क अहमद मेरे पे मेरे सामने से साथी मेरे सामने से साथी तू हटाल जा मीना मदीना मेरी आँख में काबा मेरी आँख में काबा तूर सीना मेरे लब पे है मोहम्मद मेरे लब पे है मोहम्मद मेरे दिल में मदीना मदीना मेरी आँख में काबा सुभान अल्लाह ना मुझे शौक जन्नत ना ख्याल तूर सीना ना मुझे शौक जन्नत ना ख्याल तूर सीना
मदीना मेरी आँख में काबा, मेरी आँख में काबा, मेरा सीना तूर सीना, मेरी आँख में काबा, मेरा सीना तूर सीना, मेरे लब पे मुहम्मद, मेरे लब पे मुहम्मद, मेरे दिल में मदीना मदीना, मेरी आँख में काबा। सुभान अल्लाह। कभी जिक्र मुस्तफा में जो छलक पड़ी है आंखें, कभी जिक्र मुस्तफा में जो छलक पड़ी है आंखें, मेरा एक एक आंसू, मेरा एक एक आंसू हुआ कीमती नगीना मदीना, मेरी आँख में काबा, मेरा सीना तूर सीना, मेरे लब पे मुहम्मद, मेरे लब पे मुहम्मद, मेरे दिल मदीना मदीना, मेरी आँख में काबा। माशाल्लाह। ये गुलाब मुश्क अंबर जो है खूब खूब से तर, ये गुलाब मुश्क अंबर जो है खूब खूब से तर, मगर उन सबों से बेहतर, मगर उन सबों से बेहतर तो नबी का है पसीना मदीना, मेरी आँख में काबा, मेरा सीना तूर सीना, मेरे लब पे मुहम्मद, मेरे लब पे मुहम्मद, मेरे दिल में मदीना मदीना, मेरी आँख में काबा। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये या खुदा ये मौजज़ा है, राहे इश्क़ मुस्तफा में, या खुदा ये मौजज़ा है, राहे इश्क़ मुस्तफा में, जिन्हें मौत आ गई है, जिन्हें मौत मदीना, मेरी आँख में काबा, मेरी आँख में काबा, मेरा सीना तूर सीना, मेरे लब पे मुहम्मद, मेरे लब पे मुहम्मद, मेरे दिल मदीना, मेरी आँख में काबा। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत। चलो तुमने से किस बात की पढ़ने गाने आते हैं, कितने मिनट गए? 9:43 हुआ, 44-45। चलो क्या बोलते, तो रुको रुको, अभी मत रुको, मैं कुछ बोल रहा हूँ ना। देखो खैर क्या बोलते, तो एक इस बात का शायर में बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि जिक्र अस्कार इबादत अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा करो, कुरान की रस्सी को मजबूती से थामो, और क्या बोलते तो
जब कभी भी टाइम मिले नाते वगैरह वो भी याद करते जाना पढ़ना, कितनी शर्म की बात है। कल को अगर कोई पूछा कि नात पढ़ के सुनो, क्या सुनो, क्या बताएंगे तुम्हें? गाना याद है बोलेंगे, फला फला गाना याद हो जा रहा, सब याद हो जा रहा है, कैसा अपने अंदर एक कैसा वो करो कि इश्क रसूल अगर तुम्हारे दिल में तो नाता भी तुमको याद होना जरूरी है। अच्छी बात में ना तुमको पिक्चरों के सब गाने वाने याद हो रही कैसा नहीं, बहुत सारी बातें हैं कि बोलने को अच्छा नहीं लग रहा, अल्फाज भी नहीं है तुम्हारे लोग क्या बोला, मगर एक ऐसा माहौल भी बनाओ कि बनते बनते अल्लाह करम से खुद ब खुद अल्लाह के करम से क्या बोलते तो तुमको जब एक शौक होंगी। एक मेरे को कोई नहीं सिखाया, नहीं नात पढ़ना भी नहीं सिखाया, मेरे को कोई चीज़ नहीं सिखाया, अल्लाह करम से नात पढ़ना भी मैं खुद ब खुद सीखते सीखते सीखा। कट करें, नात पढ़ना भी मेरे को सबसे पहले मैं भी मस्जिद में गया था जब बचपन में, तो देखा था सब नात पढ़ रहे कर रहे, तो मुझे नात वात पढ़ने के लिए वो नहीं। अरे वैसे डिस्टर्ब मत करो बीच में बोल बोल के, तुम उनको बोल रहे छोड़ो इधर लाओ। कैसा है एक बात ये बताऊंगा कि मेरे को तो किसी ने पढ़ना नहीं सिखाया, एक शौक रहता है इंसान को कोई भी चीज़ का, जैसा तुम्हारा शौक हो रहा गाने याद करने का, उसे नाते भी याद करो, अच्छी बात नहीं है। और याद करे तो पढ़ के भी सुनाओ, जैसे शर्म के मत बैठो, कई तीन चार ये लाइन शर्म के बैठी सब, इससे पहले भी किसको भी सुनाया, किसको पूछा मैं, 70-80 साल के लोगों को भी पूछा कहीं जाते टाइम पे सफ़र में, चलो नात सुनाओ क्या याद है, तो नहीं पढ़े च नहीं हमने, बचपन में पढ़े थे अभी याद नहीं, तो मैं बोला बचपन की सुनाओ, तो भी नहीं सुना है बहुत सारों, तो गाने अच्छे याद है उनको, कव्वाले याद है, गाने याद है, तो बात वा करके बोलना चलो अल्लाह करे। मैं क्या बोलूँ, एक तुम्हारे को अगर मोहब्बत एक शेर पढ़ो वो करो, एक रूह को सुकून उससे भी मिलता, कुरान को भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, खिरात भी बनाने की कोशिश करो, और नमाज पढ़ो 5 वक्त की, और अल्लाह को याद करो, उससे फरियाद करो, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। चलो ठीक है, रोको आप रोको, मतलब बीच में कभी नहीं करना होता यूं।